शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी की टोली भी सक्रिय हुई है। रात में घर का दरवाजा तोड़कर मोबाइल चुराना चोरों के बाएं हाथ का खेल हो चुका है। ऐसे एक शातिर मोबाइल चोर को पाचपौली के थानेदार के मार्गदर्शन में पुलिस ने मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। आए दिन शहर में मोबाइल चोरों की टोली पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देती है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों के घरों में दरवाजा तोड़कर धड़ेले से मोबाइल की चोरी चोर कर रहे हैं। ऐसी एक मोबाइल की चोरी की घटना पाचपावली परिसर में हुई है। फिरियादी रात में गहरी नींद में था। फिरियादी की मां की किसी आवाज से आंख खुली। जब उसने देखा कि बाहर ही लगा हुआ लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ दिखा, वैसे ही फिरियादी की माँ ने फिरियादी को जगा कर बताया घर के अंदर में रखा हुआ मोबाइल गायब दिखा। फिरियादी ने पाचपावली थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके चलते पुलिस ने आखिरकार मोहम्मद सद्दाम यशोधरा नगर और इब्राहिम खान यशोधरा नगर ऐसे दो शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 मोबाइल व नगद 2,800 ऐसे कुल मिलाकर 23,000 रुपए का माल जब्त किया है। प्रकरण असा आहे की अमित पोनीकर राहणार लाल दरवाजा तुमडी खोडा, त्याच्याकडे दिनांक 12/10/2020 रोजी त्याचे राहते घरातून 2 मोबाईल आणि 19,000 रुपये चोरीला गेले असे तक्रार प्राप्त झाली। सदर गुन्ह्याचा तपास हा ASI रमेश शेख यांच्याकडे देण्यात आला। दोन्ही मोबाईलचे टावर लोकेशन काढले असतात। दोन्ही मोबाईल हे इब्राहिम अन्सारी आणि मोहम्मद शेख याच्याकडे असल्याचे, हे दोघे राहणारे यशोधरा नगर यांच्याकडे असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे तपास केला असता गुन्ह्यातील दोन्ही मोबाईल आणि परत एक मोबाईल आणि 2,800 रुपये असं मुद्देमाल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेलं आहे। आरोपीचा PCR घेण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यावर गुन्ह्यात चोरीला गेलेला माल हस्तगत करण्यात आले। पाचपावली थाने से कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, NBC News नागपूर।